मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोल जी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में नीम करोल जी की बात चल रही है। तो नीम करोली में सिद्ध माता आई, उन्होंने कथा भागवत के कार्यक्रम शुरू किए, लोगों को जोड़ना शुरू किया। इसके बाद वहां गुफाएं मिली और ये उनके आने जाने का क्रम वहां चालू रहा और इसके बाद जो व्यवस्थाएं थी बढ़नी शुरू हुई, लोगों ने आना शुरू किया और आने के बाद अब जहां एकदम व्यवस्थाएं बिगड़ी हो तो संभालना थोड़ा सा कठिन होता है, असंभव कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसे भक्तों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने, कहते हैं ना कि नीम की ईंट लगाई, जब जो नीम की ईंट होती है तो कंगूरे की जो ईंट वहां ऊपर मुस्कुरा रही होती है तो वो नीम की ईंट पर रखी होती है। तो ऐसे ही भक्त महाजन गंगा दीन ने, नीम करोली के गंगा दीन ने वहां निर्माण कार्य शुरू किया। जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो अन्य लोगों ने भी उसमें सहयोग करना शुरू कर दिया। फिर एक गुम्बद नुमा एक जो मंदिर का जो निर्माण जैसा होता है तो उस तरह से एक भवन तैयार हो गया। जब नीम करोली में एक भवन तैयार हो गया तो माँ तो आती और माँ को पूरा श्रेय जाता है कि नीम करोली धाम आज जिस रूप में है उसका शुभारंभ मैं कह सकता हूं उन्हीं के कर कमलों से हुआ, अन्यथा ये पूरा क्षेत्र या ये भक्त परिवार इस अमूल्य निधि से वंचित रह जाता। वहां पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका था तो एक भक्त बद्री विशाल जी हैं, उन्होंने वहां पहली भागवत करवाई। वो शुकावाद के रहने वाले महाराज जी के भक्त सिद्ध माता के सानिध्य में सिद्ध माता वहां रही और भागवत का शुभारंभ हुआ। और जब कोई धर्म का काम होता है धर्म प्रेमी जुट जाते हैं। देखिए धर्म प्रेमी में भी एक वर्ग ऐसा होता है जो सुस्तावस्था में रहता है। हाँ, अगर कोई काम होने लगा तो वो जग के अपना योगदान दे देते हैं, तो उसके लिए कोई अगुवाई करने वाला होना चाहिए। तो शुकावाद के भक्त बद्री विशाल ने अगुवाई की और लोगों को जुड़ना शुरू हुआ। आसपास के गांव के लोग उस भागवत में अपना योगदान करने लगे, भागवत सुनने लगे। भागवत के साथ ही सुंदरकांड का पाठ होने लगा, अखंड रामायण हुई और ये जब कार्यक्रम हुए फिर उसके साथ हुआ भंडारे का शुभारंभ। तो इस जो धार्मिक कार्य में सबसे पहले भागवत हुई और उसमें फिर भंडारा हुआ तो आम आदमी का जो जुड़ाव था वो तन मन और धन तीनों से होने लगा। और मित्रों कोई काम कठिन नहीं है यदि तन मन और धन समर्पित करके काम किया जाए। भक्त आने लगे और ये काम शुरू हो गया। अब एक बात और बता दें हम आपको, क्योंकि जो भक्त हैं, भक्त होते हैं तो गृहस्थ जीवन के ज्यादा होते हैं और गृहस्थ जीवन में तमाम बाधाएं आती हैं। जीवन का चक्र जब सृष्टि में चलता है तो आप जानते हैं कहीं सड़क पर चलें तो बहुत आराम से निकलते जाओ और कभी स्पीड ब्रेकर होते हैं तो वो भी पार करने पड़ते हैं। तो ग्रस्त जीवन वाला आदमी जब धर्म की तरफ मुखातिब होता है तो वो जिंदगी की जो गाड़ी चल रही होती है उसमें स्पीड ब्रेकर हो जाते हैं और उन स्पीड ब्रेकरों को पार करके जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में सहयोग करने लगता है उसका लोक परलोक दोनों तर जाते हैं, दोनों में उसे स्थान मिल जाता है। तो ऐसे ही एक भक्त बद्री विशाल का नाम लिया मैंने, महाजन गंगा दीन जी का नाम लिया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एक घटना इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि प्रसंग है नीम करोली धाम का किस तरह से पुनरुद्धार हुआ। तो उसमें एक भक्त और आता है जिसने बहुत महती भूमिका निभाई है, वो आगरा के उद्योगपति सीताराम गुप्ता। अगर सीताराम गुप्ता का नाम न लिया जाए
तो आप ये समझिए इस कथा का महत्वहीन हो जाएगी एक तरह से। सीताराम गुप्ता की वर्तमान समय में कई फैक्ट्रियां हैं और बहुत उद्योगपतियों में, प्रमुख उद्योगपतियों में उनकी क्षेत्र में गिनती होती है। हुआ कैसे सीताराम का उद्धार? सीताराम किसी समय रिक्शा चलाते थे और लीला है प्रभु की, बताते कि आगरा में रिक्शा चला रहे थे और महाराज जी वहां भ्रमण पर थे और प्रास पर अपने भक्तों के यहां जाया करते थे, तो संयोग से उनका रिक्शा बुलाया और रिक्शा पर बैठ गए। सीताराम ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक महाराज जी को पहुंचाया, महाराज जी ने अपने एंटी में से पैसे, जैसे ही पैसे देने को हुए सीताराम ने चरण पकड़ लिए, बोले संतों से हम पैसा नहीं लेते, संतों की सेवा तो हम ऐसे ही करते हैं। महाराज जी प्रसन्न हो गए, महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। और मित्रों, धन मिल जाए तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई दिल से आशीर्वाद दे दे ये बहुत बड़ी बात, और वो भी संतजन। तो सीताराम का रिक्शा छूटा और आज वो बहुत लंबी कहानी है, मैं केवल नीम करोली धाम के निर्माण की निर्माण में जो भूमिका सीताराम ने निभाई मैं उस बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं। तो जब वो उद्योगपति बन गए और यहाँ नीम करोली धाम में सिद्ध माता द्वारा ये प्रयास किया जाने लगा कि यहाँ का पुनरुद्धार हो जाए, ये तब स्थली लोगों के बीच में जानी जाए, तो सीताराम जी आए और सीताराम ने वहां जो कार्यक्रम हो रहे थे उनमें सहयोग करना शुरू कर दिया। बताते तो ये भी है कि आज भी नीम करोली में भंडारा जब होता है, सीताराम जी अब सूक्ष्म रूप में हो गए हैं, उनके परिजन पुत्र नाती जो भी हैं उनके यहां से कुछ न कुछ दान में आता है, ऐसा बताया जाता है। तो फिर सीताराम को पता चला था कि महाराज जी का यहाँ पर मंदिर निर्माण होना है और सिद्ध माता ने और सीताराम ने मिलके एक स्थान का चयन किया जहां महाराज जी का जो विग्रह है, और एक बुजुर्ग ने वहां पर बताया था कि जब उन्होंने वो स्थान छोड़ा था तो उसने ये पूछा था कि यहाँ किसकी स्थापना होगी, कौन सा देवता आएगा, हनुमान जी के सामने ही है। तो महाराज जी ने कहा था है तुम बैठोगे, ऐसी तरह से बोलते थे कि यहाँ हम बैठोगे, इस तरह से बोलते थे। तो उन्होंने आज उसी स्थान पर, ये लीला है कोई माध्यम हो, उसी स्थान पर महाराज जी की विग्रह मंगाया गया और उसी स्थान पर महाराज जी का विग्रह आज स्थापित है। तो वो सीताराम गुप्ता के द्वारा यहाँ पर मंदिरों का निर्माण हुआ, गणेश जी का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, माता का मंदिर है, महाराज जी का मंदिर है, इन सब मंदिरों में उनकी महती भूमिका रही, उनकी बहन जिन्हें सब भक्त दीदी कहते थे और उनके भाई अमरचंद ने विशेष सहयोग किया। आज जिस रूप में नीम करोली धाम का मंदिर है, जिस या नीम करोली धाम का जो स्वरूप है उसमें सीताराम गुप्ता की महती भूमिका है। अब वहां जब इस स्तर पर निर्माण होने लगा तो वहां पर भागवत प्रतिवर्ष का आयोजन राम सेवक द्वारा कराया जाने लगा, राम सेवक शाह या राठौर कहिएगा, जो महाराज जी के ही प्रसाद थे, इनके पिताजी की कोई संतान नहीं थी जब इनको दिया, और मैंने एक वीडियो में उनका घर आपको दिखाया था। तो उसमें राम सेवक जी ने भागवत का जिम्मेदारी ले ली और जो सब चीजें थी वहां से लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ गए। आज नीम करोली धाम क्षेत्र में ऐसी स्थिति में है जहां एक तप स्थली हम लोगों के बीच में, अगर सिद्ध माता या ये नहीं होती तो इतने लोग वहां अपनी आस्था का केंद्र नहीं, अब लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। लेकिन मित्रों, बताते हुए बेहद कष्ट होता है, बेहद वेदना हो रही है कि जो नीम करोली गांव है, तप स्थली तो बहुत सुंदर बन रही है, और भी बातें हैं नीम करोली तप स्थली के संबंध में और बताऊंगा, लेकिन आप जब गांव में जाएंगे, जब उस धाम में जाएंगे तो वहां की गलियों की दुर्दशा
मुझे किसी विकास एजेंसी की मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि वो गांव आज भी विकास की किरण के लिए तड़फ रहा है, किसी मसीहा की प्रतीक्षा कर रहा है कि गांव का विकास हो। विश्व प्रसिद्ध नीम करोरी गांव, क्योंकि महाराज जी ने इसी गांव का नाम स्वयं धारण कर लिया था, तो आज विश्व प्रसिद्ध है, और वो गांव दुर्दशा की स्थिति में। दस्तक मीडिया ये मांग करता है कि फर्रुखाबाद के सांसद अभी मुकेश राजपूत ने संसद में मांग रखी थी कि इस नीम करोरी धाम का विकास का काम किया जाए। अब वो मांग व्यवहारिक रूप में कैसे आए, क्या हो, ये शासन प्रशासन अच्छी तरह जान सकता है। दस्तक मीडिया ये मांग करता है कि यहाँ पर जो देश विदेश से दर्शनार्थी आते हैं, तो वो भारतवर्ष की जो तप स्थली भारतवर्ष का जो एक अस्क है, वो एक अच्छा अस्क लेके जाएं, अपने दिमाग में एक अच्छा चित्र लेके जाएं। तो इसलिए सभी को शासन प्रशासन सरकार जो भी है, जो भी एजेंसी वहां डेवलपमेंट करा सकती हैं, वो वहां के लिए विकास कार्य करें, और जो लोग वहां जाएं उन्हें ऐसा दिखाई पड़े कि हम भी विकास के पथ के राही हैं। तो नीम करोरी धाम के निर्माण और आशा भरी, और एक तरह से मैं ये कहूं निवेदन भरी ये कथा है वहां के विकास के लिए, आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।